हमारे YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंच जाए। ज्ञान शर्दे एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी संस्था ने 4 साल के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के सभी वर्गों के लिए हैंडराइटिंग सुधारने की मुहिम शुरू की है जो मीरा भाईंदर में चल रही है। करीब 20 घंटे के सेशन में किसी भी तरह की गलत और ख़राब हैंडराइटिंग को एक स्टाइलिश और खूबसूरत बनाए जाने का दावा ये संस्था द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर अभियान इस मुहिम के तहत शहर के सभी स्कूलों में जाकर स्कूल के हर उस विद्यार्थी तक पहुंचना चाहती है जिनकी खराब हैंडराइटिंग की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। आइए इस बारे में एक पत्रकार परिषद में कंपनी के डायरेक्टर और उनकी टीम ने बताया कि यहाँ पे 4 साल से ऊपर के बच्चों को हम ध्यान में रखेंगे, जो कि आप किसी भी उम्र का कोई इसमें तकाजा नहीं, 4 साल से बड़ा बच्चा चाहिए होगा। और सर, इसका मेन कंसर्न हमारा है कि जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, पर्सन आंसर भी अच्छा लिखते हैं, बट स्वच्छ और सुंदर अक्षर ना होने की वजह से वो परसेंटेज में पीछे रह जाते हैं कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों के। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो स्वच्छ भारत और हम कैसे इसको स्पीडअप, इनकी राइटिंग को कैसे स्पीडअप कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने प्रश्न पत्र को किस तरीके से उत्तर वो उसी वक्त में देख करके अच्छे अक्षरों में लिख सकते हैं, इस चीज़ की हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। एक्चुअली दिस हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रंस बिकॉज टुडे क्या हो गया, चिल्ड्रंस आर लूजिंग द मार्क्स बिकॉज ऑफ नॉट रीडेबल हैंड राइटिंग द वर्ड्स दे आर राइटिंग इन द एग्जाम। So what we did a survey across globalization. So we find out it, this handwriting is also one of the compulsory subject for the children, because nowadays almost parents or management, they are not concentrating for the child's handwriting homework. Everybody are busy to complete their portion and even parents are sending for tuition. But in the month of examination, that is March, child have to write it on the paper. When the child is writing not readable handwriting, so obviously they are losing the marks. So by this we have started this Swachh Sundar Hastakshar Abhiyana. This Abhiyana should reach everybody, all the students, and they should take use of this handwriting. And this course period which we have 40 hours plus 20 hours speed writing, so which we are calling smart writing and speed writing and easy writing, which is the teachers or anybody, they should understand easily the child is what they write. अभी स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर अभियान हमको मेरा गांव से स्टार्ट किया है, ऑलरेडी कर्नाटक में इसका चल रहा है, मेरा गांव से स्टार्ट किया गया। अभी इसका ब्रांचेस जो है प्लेजेंट पार्क में, वहाँ पे ब्रांचेस ओपन हो चुका है, वहाँ पे क्लासेस चालू है। और नेक्स्ट प्लानिंग हम लोग का पूनम सागर में है, और हटकेस में भी नेक्स्ट प्लानिंग है, भाईंदर ईस्ट वेस्ट ये जगह पर भी हम लोग जल्दी से जल्द समर वेकेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका फीस की जब बात आए तो फीस जो बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आए, वो हिसाब से हम फीस तय किया जाए। हमारा मोटिवेशन यही है, बच्चों का जो खराब हैंड राइटिंग है पूरा उसको रिमूव करने का हमारा एक संकल्प है। ज्ञानाचार्य अकेडमी संकल्प लेकर मीरा भाईंदर महाराष्ट्र अदर स्टेट में इस तरह करने का एक पूरा स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम चलने जा रहे हैं। यही हमारा इंटेंशन और मोटिवेशन है। अगर एक बार बच्चा अपना लाइफ में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 9th तक लिख रहे, अगर वो 40 डेज के अंदर अपना हैंड राइटिंग सुधार देते हैं, तो उनका लाइफ पूरा जिंदगी भर का उनका लाइफ में करियर उनका आगे चलते रहे, और कभी वो बैक आएंगे नहीं। अच्छा हैंड राइटिंग, स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर अभियान, इस माध्यम से स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर होने से बच्चों का करियर में उन्नति मिलेगा, प्रगति मिलेगा, उनका बोर्ड एग्जाम में वो परसेंटेज हाई करके वो अपना करियर को आगे बढ़ा से बढ़ाए। यही हमारा ज्ञानाचार्य अकेडमी का उद्देश्य संकल्प है, और पूरा महाराष्ट्र में हम इस अभियान को चलाए हैं। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से अनुरोध करता है, इस अकेडमी के थ्रू से आप लोग अपना बच्चों का हैंडराइटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देवे, और एक बार अगर हैंडराइटिंग अगर सुधर गया तो बच्चों का करियर बन जाए। यही हम पेरेंट्स से और स्टूडेंट से हम अपील करते हैं। ज्ञानाचार्य अकेडमी।